झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज धनबाद के काफ़ी संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने बताया है कि इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, पिछले कई सालों से पेंशन बंद हो गई है, जबकि हाल ही में इनके पेंशन में वृद्धि हुई थी, लेकिन ये वृद्धि केवल कागजों पर ही देखने को मिली है। आइए हम कुछ आंदोलनकारी से बातचीत करते जानते हैं कि क्या समस्या है, कब से इन्हें पेंशन नहीं मिल रही और आगे क्या इनकी और मांग है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड आंदोलनकारी जगत महतो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करके सीधा जानते हैं कि कब से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, क्या समस्या है। आप बताइए कि कब से आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, क्या समस्या है। देखिए, हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन बहुत सा आम जनता को एक से प्रलोभन दिया, हम नौकरी देंगे, चाकरी देंगे, 32 का खतियान का बात किया। कोई 32 का खतियान का बात कर रहा है, कोई 85 का बात कर रहा है, कोई 50 का बात कर रहा है, कोई 60 का बात कर रहा है। मगर बहुत दुख के साथ हम लोगों को आज इस मंच से कहना पड़ रहा है, जो झारखंड आंदोलनकारी के संबंध में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई इसका शुद्धि नहीं ले रहा है। आज जो झारखंड अलग राज हुआ, ये आंदोलनकारी का देन है। झारखंड आंदोलनकारी लड़ा, मरा, शहीद हुआ, आज इन लोगों को सुधी लेने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। इस पर कोई भी राजनीति दल के लोग झारखंड आंदोलनकारी के बारे में, झारखंड शहीद के बारे में कोई नहीं पूछ रहा। सब 32, कभी कोई 85, कोई 50, कोई 60, जो लड़ के लिया अलग राज, कितने लोग शहीद हो गया, कितने माँ बहन का माथा का सिंदूर उजड़ गया, मगर आज उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग मर गए हैं। अब बहुत से आंदोलनकारी हम लोग को जानते, आप आश्चर्य हो जाएगा, जिस तरह का वृद्धा पेंशन दे रहा है ना, उन लोग का एक लिमिट समय है, हर महीना 5 तारीख को उसका अकाउंट में चल जाता है। आज हम लोग आंदोलनकारी को 3000 मिल रहा है। और हेमंत सोरेन जैसे सरकार गद्दी में बैठा, बोला हम आंदोलनकारी के लिए पहला कैबिनेट में 500 रुपया बढ़ोतरी किया, घोषणा किया, मगर अभी तक दुख की बात है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज जन्म स्थल ही है धनबाद गोप ग्रांड, मगर इस क्षेत्र में अभी भी आंदोलनकारी लोग, कुल कितनी संख्या में आंदोलन, अभी कम से कम धनबाद का बात बोल, कम से कम 200 से 250 आंदोलनकारी है, बढ़ोतरी हो गया, उसका कागज भी है, मगर अभी तक मिला नहीं आंदोलनकारी को, खाली कागज में बढ़ोतरी हुआ, उनका कैबिनेट में भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, अभी 2 साल से बाकी है। अब जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जीवित थे, हम लोग यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल, हम भरत साहब वासदेव यादव हम लोग गए थे, उनसे मिले, वो बोला तुरंत लिख करके आदेश दे दिया गृह सचिव को, हमको बोला जगत जी जाके गृह सचिव को दे दीजिए, गृह सचिव नहीं तो उनका पीए को दे करके हम चाहे, उनका चिट्ठी भी है हमारे पास, चिट्ठी भी है, मगर दुख की बात है कैबिनेट मंत्री शिक्षा मंत्री उनका आदेश का भी अभी तक पालन नहीं हुआ, बहुत दुख लग रहा है। इसलिए हम लोग कम से कम ये जो झारखंड आंदोलनकारी की कम से कम बहुत से लोग, हम लोग को तो अभी 3000 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया बढ़ोतरी हुआ है, तो बहुत से साथी लोग हैं आंदोलनकारी लोग जो जेल नहीं गया है, जो कम से कम 10 साल 20 साल हमारे साथ केस में लड़ा जूझा, जैसे एक पूर्व मंत्री मथुरा महतो है, हमारा साथी वासदेव यादव है, शक्ति पौदोदे है, बहुत सा लोग इस तरह कम से कम हजारों हजार है, मगर इन लोगों को आंदोलनकारी नहीं मान रहा है। 20 साल संघर्ष किया कोर्ट कचहरी रेलवे कोर्ट में, 20 साल आंदोलन किया, संघर्ष किया, समय बिताया, मगर उन लोगों को आंदोलनकारी सरकार नहीं मान रहा है। तो इसलिए कम से कम हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि कम से कम इसको जितने भी केस मुकदमा जूझा है उन लोगों को जल्द से जल्द आंदोलनकारी जेल का बाध्यता खत्म करे, उन लोगों का भी जेल का उन लोगों का भी आंदोलनकारी माना जाए, और हम लोगों को ये जो वृद्धा पेंशन का ऐसा अभी जो दे रहे 500 रुपया बढ़ोतरी, बहुत दुख के बात अभी तक बढ़ा नहीं, कम से कम हम इस मंच से कल कैबिनेट का बैठक है, कम से कम 10000 रुपया किया जाए, झारखंड आंदोलनकारी को जो जेल में गया है उनका पेंशन कम से कम जिस तरह छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जिस तरह उत्तराखंड में मिल रहा है, उसी तरह हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम आंदोलनकारी को 10000 रुपया पेंशन दिया जाए, और जो जेल का बाध्यता है उसको ख़त्म करें, उन लोगों का भी आंदोलनकारी माना जाए। हम सरकार से
आग्रह करते हैं कि भाजपा सरकार ने कम से कम कुछ आंदोलनकारी को चिन्हित करके कम सम्मानित भी किए और कुछ लोगों को पेंशन भी दिए। लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमारे झारखंडियों के बारे में सोचते हैं, आज उन्हीं ने आशा को फेर दिया है। हम लोग आशा किए थे कि आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बना है तो जो झारखंड आंदोलनकारी है इनको विशेष रूप से देखेंगे, जो आज लोग निराश हैं। जब से हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने, बहुत लोगों ने आशा किया कि अब हमारी सरकार बनी तो हो सकता है कि हमारे जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, हम लोग 14 साल 12 साल दो बार सफ़र किए हैं, केस लड़े हैं, मुकदमा लड़े हैं। सरकार ने एक नियम बनाया कि जो जेल गया है सो, लेकिन वो जेल का बाध्यता खत्म कर करके जो सफ़र किया है, जिसके तहत आज आंदोलनकारी के चलते हमारी सरकार है, लेकिन इन्होंने झारखंड आंदोलनकारी के प्रति एक जरा सा भी मैंने ध्यान नहीं दिए हैं कि इन लोगों को कुछ सुख सुविधा दिया जाए। हम लोगों का मांग है कि आंदोलनकारी को चिन्हित करके जो है सम्मानित करें, उसके बाद पेंशन लागू करें, स्वास्थ्य बीमा लागू करें, हम लोगों को रहने के लिए जिनको जगह जमीन नहीं है उनको कम से कम घर। रांची में मांग किया गया है हमारे ये आंदोलनकारी के तहत कि झारखंड में हम लोगों को 5-5 कट्ठा ज़मीन दिया जाए और हम लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिए, या कारण कि हम लोग आंदोलन करते करते आज सब वृद्धा की अवस्था में आ गए हैं, मरने की स्थिति में आ गए हैं, तो हम लोग को बीमार तो पड़ेंगे ही सब। 75% आदमी अब वृद्धा हो गया है, उनके खाने बिना मर रहा है। जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं लगभग आपको 90% मिलेगा कि जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। कम से कम 40 से 50 हजार आंदोलनकारी पूरे झारखंड में आंदोलनकारी हैं। धनबाद में करें तो 250 से 300 के लगभग हैं, जिसमें कि हम लोग 2000 में 56 हम लोग चिन्हित हैं, जो एक आदमी को भी अभी तक वो पेंशन लागू नहीं हुआ है। तो जितने आप लोग चिन्हित हैं जो मिल रहा था पेंशन, नहीं हम लोगों को कोई चिन्हित नहीं। झारखंड के आंदोलनकारी को जो केस मुकदमा हमने लड़ा है, सफर किया है, उसको कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा है। रेलवे कोर्ट में 20 साल लड़ा है, रेलवे कोर्ट जो वही व्यक्ति को मिल रहा है केवल जो जेल गया है। तो ये जेल बाध्यता, खास करके मैं करता हूँ कि जेल बाध्यता को खत्म कर करके जहाँ आंदोलनकारी को जो चिन्हित हो गया है, हम लोग के पास देखिए हम प्रूफ दे रहे हैं, देखिए उपायुक्त महोदय द्वारा चिन्हित किया गया है और चिन्हित लोगों और नहीं जो अभी चिन्हित नहीं भी है, कुछ भाई लोग बाकी भी रह गए हैं, उनको चिन्हित कर करके जो सफ़र किया है, केस मुकदमा जो मैं सफ़र किया है, 12 साल भूखे प्यासे रह करके मैं कोर्ट में हम लोग खड़ा रहते थे, उनको भी आज इस दायरे में ला करके उसको पेंशन दिया जाए। झारखंड राज्य अलग हुआ है 2000 में और हम लोग को पैसा मिल रहा है 15 से, जब से अलग हुआ है तब से हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग 83 में जेल में थे, जब 73 में यहाँ जब आंदोलन छेड़ा उस टाइम हम लोग जेल में थे, हम ना पढ़ाई सके ना लिखाई सके, बेरोजगार में हैं। कम से कम हम लोग को पूरा ध्यान दिया जाए, बस यही। बिल्कुल, आपने इन लोगों की बातचीत सुनी, इन लोगों ने बताया कि इनके पेंशन में वृद्धि हुई थी लेकिन इन्हें उसके बाद से पेंशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि पूरे झारखंड में करीब 50 से 60 हज़ार झारखंड आंदोलनकारी, अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में करीब 250 से 300 की संख्या में झारखंड आंदोलनकारी, लेकिन इनमें कई लोगों को चिन्हित नहीं भी किया गया, करीब 50 से 60 लोगों को ही चिन्हित किया गया है। इन लोगों ने बताया कि सबसे पहले उन तमाम आंदोलनकारी को चिन्हित किया जाए। अभी जो लॉ आया था, जो हिसाब से इन लोगों को आंदोलनकारी घोषित किया गया था, उसमें ये अनिवार्य किया गया था कि जो जेल गए हैं उन्हें ही माना जाएगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जेल नहीं भी गए हैं लेकिन इन्होंने सालों साल कोर्ट में लड़ाई की है अपने हक के लिए। झारखंड आंदोलन जब चल रहा था ये काफ़ी एक्टिव रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जो जेल जाने को लेकर जो बाध्यता लगाई जा रही है उसे हटाया जाए और तमाम उन लोगों को भी झारखंड आंदोलनकारी में शामिल किया जाए जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया कि झारखंड 2000 में अलग हुआ लेकिन इन लोगों को पेंशन काफी सालों के बाद से मिलना शुरू हुई है और अब पिछले करीब 1.5 से 2 साल से इन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इसे लेकर इन लोगों ने कई बार आवाज भी उठाई, जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे तो उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने भी इन्हें पूरा आश्वासन दिया लेकिन इन्हें केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के अभाव में उन लोगों की मृत्यु भी हो गई है,
क्योंकि आंदोलन काफी पहले से चलता आ रहा था और लोग बुजुर्ग हो गए हैं, सही समय पे पेंशन नहीं मिल रहा था, आर्थिक समस्या हो रही थी। तो देखते हैं कि कब तक इन लोगों की जो समस्या है उसे लेकर यहाँ की सरकार एक्टिव होती है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार इन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है, इनके हक का जो पैसा है इन्हें वो नहीं दे रही है। अब देखते हैं कि कब तक सरकार सजग होती है और झारखंड आंदोलनकारियों को उनके हक उन्हें वो दिलाती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।